ध्यासो लिए करते। माँ बाप नहीं चाहते बच्चे हमेशा बीमार होना, बिल्कुल वो कौन से माँ बाप चाहते हैं? दुनिया में माँ बाप एक मतलब ही नहीं, बाकी के पूरे मतलब ही। अच्छा याद रखो, माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहे, तड़पता रहे। क्या कोई माँ बाप पसंद करती? नहीं। ऐसा ही दुनिया में कितने माँ पैदा हो कोई, ये दुनिया में कितने बाप पैदा हो कोई, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार अपने बंदे से। क्या अल्लाह चाहता है कि इन्हें हमेशा बीमार रहने दे? हम भेजे सो ड्यूटी को दुनिया में। दुनिया एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में मालिक भेजे सो ड्यूटी करने। ड्यूटी क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ। ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत जिंदगी गुजार। वो ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया को समझा, मोहम्मद रसूलल्लाह को समझ, मोहम्मद रसूलल्लाह को दुनिया की पहचान करा, और तुझे आने के बाद जन्नत दे दूं। उसके वास्ते भेजा सल्लाह कि हमेशा बीमार रखो, मरने के वास्ते भेजा है अल्लाह? नहीं। हमारी जो है नादानी से, हमारी जहालत से हमें बीमारियां मंगा लेती। कैसा मंगा लेती? खा 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 को, खाली खाना मालूम हमना, खाली गाड़ी लोडिंग करती। लोडिंग कर ले चल गया तो क्या होती है? लारी को खाली लोड करो, टायर अलादा टूबा अलादा पड़े रहती। लोड करे बाद अनलोड भी करना। 6 दिन लोड करती हमें गाड़ी, कम से कम 7वें दिन तो अनलोड करती क्या हमें? ईमानदारी से बताओ बताओ, 7वें दिन भी अनलोड नहीं करते हमें? हाँ, 7वें दिन भी ढूंढ ले को फिरती, शादियां कहीं, वलीमा कहीं, 11वें कहीं, 12वें कहीं, खुदा जाको कोठरियां के मारती। 3-3 दिन का 21 दिन में मारती। हाँ, अभी टायर फट नहीं, सब क्या फटे नहीं, सो और क्या होंगे भाई? 6-7 दिन खाए, एक दिन रात को एरंडी का तेल ले, 50 ग्राम गर्म पानी में डाल को पी जाओ। सुबह ही उठो, 50 ग्राम एरंडी का तेल गर्म पानी में डाल को पी जाओ, और दोपहर तक खाली अनलोडिंग करो भाई। दोपहर तक खाली अनलोडिंग, नाश्ता नहीं करना। अब नाश्ता नहीं करना है तो कलीजे मुंह को आ जाता है। एक दिन हमें खाना छोड़ना तो कलीजा मुंह को आ जाता हमारा। कैसा छोड़ना? सब नाश्ता करनी मई नहीं करना। बात समझ रहे? एक दिन छोड़ो, एक दिन खाली अनलोडिंग करो, 6 दिन लोडिंग करो, और दूसरा जब तक चाहत नहीं होती खाने को, खिचड़ी पलव बिरयानी रोटी परोटा, चाहत भी तो खाना, जबरदस्ती से नहीं खाना। सब खाली ना मई की छोड़ना, सब खाली ना मई की नहीं खाना। ऐसा खाने को भूख लगी तो खाओ, नहीं तो पपई खा जाओ, अनार छक खा जाओ, सेब खा जाओ, एक दो मऊस खा जाओ, आराम से बैठ जाओ। चाहत होती है खाने की जब खाओ, और चाहत रहने के अंदर हाथ धो लियो। अभी चाहत रहना, अभी एक रोटी खाना या तो खाना खाना, फौरन हाथ धोना। डकारा मारते हैं तो छोड़ते नहीं हमें हवस। हाँ, हमारे अम्मा बाप बोलते खा ले, अम्मा खा ले, आखिर निवाला वो, उसमें छे तो बरकत। बरकत नहीं, मुसीबत है। तो बात समझ रही, निवाला बेकार हो जाते, मुर्गा की कीड़े की खा जाती। हमें बेकार नहीं होना, अभी भूख रहता है खाद धो लेना सो। बात समझ रही, आखिर निवाला बरको खाए तो वो सचमुच आखिर हो आता है। वो खा को हॉस्पिटल जाती, हॉस्पिटल से कब्रिस्तान जाती। ऐसे कहते कि मर गई खा खा को। अच्छा याद रखो, अब बीमारी नहीं आना तो मैं बोलिया सो बैलेंस पकड़ लियो। घर में ठंडा पानी पीना छोड़ डालो। अगर ठंडा पानी बगैर पकाने के पिए तो पानी अच्छा पकना, खत 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 खाना पके तरगा, पका को रख डाल को शाम तक पियो, एक बर्तन में रख डालो। तुम्हें कच्चा पानी पी को इतने बीमारियां मंगा लेती सो बगैर पकाने के। बात समझ रही? और जो है पानी पका को पियो, और दूसरा सफेद नमक खोचनों को तलाक दिया लो तुम्हारे घर से, काला नमक। आज जितने बीमारियां आ रही सब सफेद नमक से, काला नमक मिलता है, पादरा नमक मिलता है, खाने में साले में सो उस डालो, आपके सेहत आधे को आधा अच्छा होगा। और शक्कर को तलाक दियो, शक्कर से कईयों बीमारियां नहीं सो। शुगर आता है, शुगर के बाद बीपी आता है, बीपी के बाद हार्ट अटैक आता है, ये सब शुगर से चाहिए। शुगर शक्कर को तलाक दियो तुम्हारे घर से, और शक्कर के बजाय गुड़ ले लो, काला गुड़ या लाल गुड़, सफेद गुड़ भी नहीं, क्योंकि सफेद गुड़ में निर्मा पाउडर वॉशिंग पाउडर डालती, जल्दी मर को जाती। बात समझ रही? और दूसरा पाम ऑयल को तलाक दियो, और दूसरा तेल लियो, फली का तेल, तिल का तेल, फली का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, ये इस्तेमाल करो। मरने के वास्ते खाली 21 तेल खा को मरती, 21 चाका पत्ता पी को मरती। सुबह ही होते ही चाय। अरे एक चाक पत्ता भाड़ में गए फेंको,
एक दिन नींबू की चापी हो, एक दिन जो है अदरक की चापी हो, कभी धनिया की चापी हो, कभी जाम का पत्ते की चापी हो, कभी आम के पत्ते की चापी हो, कभी अनार के पत्ते की चापी हो, कभी करिया पत्ते की चापी हो, ऐसा पियो, कभी नीम के पत्ते की चापी हो, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। और दूसरा जो है, और फ्रिज में जो भी पका डालते हैं वो फिर उठा को गर्म मत करो, खाना साला कुछ भी हो, गोश्त मच्छी अंडा जो भी पका दी अगर फ्रिज में रखे तो वैसा उठा को खा लेना, गर्म नहीं करना। गर्म करे तो भगवान दरवाजे खुले, लोहे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, तरह तरह की बीमारियां पकड़ती। ये बैलेंस को पकड़ लियो, हर बीमारी से बचकर रहते इंशाल्लाह।